हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नाडुगला चैनल पर। और आज हम जिस फिल्म का पब्लिक रिव्यू करने जा रहे हैं, दरअसल वो फिल्म है राधे श्याम। इसका डायरेक्शन किया है राधा कृष्ण कुमार ने। और आपको फिल्म में नज़र आएंगे अपने बाहुबली, सबके छह थे बाहुबली, प्रभास और पूजा हेगड़े, और साथ में आपको नज़र आएंगी अपनी भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर, ये भी इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। तो चलिए जनता से जानते हैं कि ये जो राधे श्याम है, लव एंड डेस्टिनी वॉर कैसा लगा? सबसे घटिया मूवी है, बिना स्टोरी लेस। कोई डायरेक्टर को टाइम पास करना था तो अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस से लेकर सबसे घटिया पिक्चर बनाया। स्टोरी नहीं है, बिल्कुल टाइम पास, अब मतलब आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। मैं तो बोलता हूँ कि अपना कीमती समय बचो और घर में बैठ के देखिए मूवी, ये देखना ही नहीं चाहिए। अच्छे एक्टर एक्ट्रेस को लेकर अच्छी मूवी, बाहुबली समान एक्टर को सबसे घटिया स्टोरी में कास्टिंग की गई है। डायरेक्टर में कुछ भी सेंस नहीं है, ना एक अच्छी लव स्टोरी देखने के लोगों को देखना था एक अच्छी लव स्टोरी, पर इसमें ना लव स्टोरी है ना कुछ कहानी है ना कुछ साइंटिफिक साइंस फिक्शन उसको बनाना था मूवी, पर वो भी नहीं बना पाया वो डायरेक्टर। गाने कैसे लगे? गाने वाने भी उतने खास नहीं है। एक्चुअली एक लव स्टोरी की मैं अच्छा चाहिए उसके गाने अच्छे होने चाहिए, गाने भी अच्छे नहीं है ना, एक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत सेंसलेस मूवी। तो रेटिंग कितना होगी आपको? मैं तो रेटिंग नहीं देना चाहता, जीरो रेटिंग अगर देना और स्टार कास्ट के लिए सिर्फ एक रेटिंग बस। ठीक है, वो पूरा बकवासी पिक्चर है साला, वो अच्छा कहानी ठीक थी, कहानी ठीक थी, थोड़ा बहुत नहीं का थोड़ा, पर इंटरेस्ट नहीं था। प्रभास जैसा एक्टर है ना, उसके हम लोग फाइटिंग सीन कुछ भी नहीं था उसमें, बस एक नॉर्मल कहानी थी। अब प्रभास जैसा एक्टर को फाइटिंग नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आया। ओवर एक्टिंग किया ज्यादा, एवरेज पिक्चर है। यानी कैसा, फर्स्ट हाफ भी स्लो है, सेकंड भी स्लो है, तो 2.5 स्टार उसको दे देने चाहिए, ये बस एवरेज। राधे श्याम प्रभास की, पूजा हेगड़े की जो मूवी है वो रिलीज हुई है आज, कैसे लगी आपको? पिक्चर ऐसा एवरेज है और स्टोरी में भी दम नहीं है। अगर आप थोड़ा लो एंगल अगर देखना चाहो तो मूवी देख सकते, बाकी ऐसा एक्शन या म्यूजिक जो है उसमें कोरियोग्राफी या डायलॉग्स ऐसा कोई मसाला मूवी जैसा नहीं है। अच्छा, मूवी जैसे ट्रेलर में दिखता है लोकेशन वाइज, कैमरा जो पिक्चराइजेशन है वो काफ़ी अच्छा लगता है ट्रेलर में, तो मूवी में कैसा लगा वो? मूवी के फर्स्ट हाफ में स्टोरी बहुत स्लो चलती, लेकिन जो इटली या रोम का जो पिक्चराइजेशन है वो बैकग्राउंड में वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है रेदर देन मूवी, वो बहुत अच्छा है। म्यूज़िक के बारे में क्या? म्यूज़िक के बारे में 3-4 गाने हैं, उसमें से 2 गाने ठीक है, बाकी 2 गाने एवरेज है। और एक्टिंग? एक्टिंग प्रभास की एक्टिंग अच्छी है, और अपना पूजा हेगड़े की जो एंट्री है वो सीन भी बहुत अच्छा है। कितना रेटिंग हो गया मूवी? मैं मूवी को 2.5 स्टार दूंगा। थैंक यू। इमोशनल लगी पिक्चर, काफ़ी अच्छी थी, अच्छी लगी। हाँ, रेटिंग कितना दोगे 5 में से? 5 में से 4 ठीक है। लगी फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म, लव स्टोरी पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल, और बहुत ही प्यारी फिल्म, बहुत पसंद आई। फिल्म के गाने कैसे लगे? गाने तो बेस्ट, मैं जब से गाने रिलीज हुए तब से गाने ही सुन रहा हूँ, और हर एक गाना पसंद है। अच्छा। पूरे गाने पसंद है। 4.5 रेटिंग बेस्ट। राधे श्याम मूवी ठीक है वैसे, पर उतनी खास तो नहीं, पर ठीक है। इसमें नई चीज़ देखा जाए तो जैसे कि साइंस और भविष्यवाणी से रिलेटेड जो कुछ नया कंटेंट सामने आया है वो देखने लायक है। उसके साथ में जो पिक्चराइजेशन किया हुआ है, जैसे कि आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है फिल्म का। फिल्म के जो जो कैनवास दिखाया है फिल्म का वो कैसा लगा आपको? कैनवास काफ़ी अच्छा दिखाया है, उसके अंदर में VFX वगैरह काफ़ी अच्छा। कितना रेटिंग दोगे आप मूवी को? 5 में से 3। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारी जनता का, पब्लिक का राधे श्याम के बारे में रिव्यू। और फिल्म मैंने भी देखी है दोस्तों, फिल्म जो है अपने हाथ की लकीर और हमारे जो लव है, लव स्टोरी, इस पर डिपेंड है। यानी जो भी हाथ की लकीरों पे जो लिखा है, यानी हमारा भविष्य जो लिखा है वो कितना सच हो सकता है, और हम इसे कितना बदल सकते हैं, ये इस मूवी में दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम ये लव एंड डेस्टिनी वॉर है। और फिल्म के बारे में मैं कहूँगा कि फिल्म काफ़ी स्लो है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि जो भी सीन नज़र आते हैं हमें दिखते हैं वो काफ़ी स्लो तरीके से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और साथ में प्रभास की एक्टिंग जो बाहुबली में हमने देखा,
वैसा इम्पैक्ट इस मूवी में नज़र नहीं आता, और पब्लिक प्रभास को जिस नज़र से देखने को आती है एक्शन, वो एक्शन आपको इस फिल्म में नज़र नहीं आएगा। लव के मायने में भी प्रभास थोड़े से कम नज़र आए हैं। पूजा हेगड़े ने भी एक्टिंग अच्छी की है, और साथ ही जो कहानी का बैकग्राउंड है, मतलब जो पिक्चराइजेशन है, जो लोकेशन है, वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है मूवी में। देखने लायक वही है, आपको मूवी में वही नज़र आएगा और अच्छा लगता है। कुछ कुछ सीन देखने में अच्छे लगते हैं, तो फिल्म तो काफ़ी ठीक ठाक है ऐसा मैं कहूँगा। रेटिंग दूंगा 2.5 स्टार।